होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूं आज की जो हमारी अपडेट है वो उत्तर प्रदेश के आयुष के होम्यो हुमे, रिलेटेड होम्योपैथी कॉलेजों से है राजकीय होम्योपैथी कॉलेज जो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं चाहे वो आजमगढ़ का हो या पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथी कॉलेज कानपुर का हो या और भी जितने भी राजकीय होम्योपैथी कॉलेज हैं उसमें थर्ड ईयर का जो रिजल्ट है थर्ड ईयर के रिजल्ट ने पूरे होम्योपैथी कॉलेज के विद्यार्थियों को हिला के रख दिया है क्योंकि इस रिजल्ट में एक बहुत ही समानता पाई गई है और वो समानता ये है कि लगभग सेवेंटी परसेंट बच्चे इसमें फेल हैं इस रिजल्ट में और सिर्फ एकल सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो एक और दो सब्जेक्ट में सभी बच्चों को सभी बच्चे फेल हैं पहला तो है फेल होने वाला जो सब्जेक्ट है वो है आपस एंड गाइनकोलाजी और कुछ बच्चे जो है सर्जरी में भी फेल हैं तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये अब तक का रिजल्ट जो है सबसे खतरनाक है अब इसको संयोग कहा जाए या कोई प्रयोग कि कोई नया टीचर काफ़ी जांच कर रहा था उसको समझ में नहीं आया कि बच्चे क्या लिख रहे हैं या सेवेंटी परसेंट बच्चों को ही समझ में नहीं आया कि हमें सवाल में लिखना क्या है अब सवाल ये उठता है कि क्या सेवेंटी बच्चों को ही नहीं समझ में आया कि हमें क्या लिखना है या इसमें बहुत बड़ी फॉल्ट है जो विश्वविद्यालय स्तर से हो रही है अब इस मामले में आगे जो है डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे राजकीय होम्योपैथी कॉलेज हैं वो एप्लीकेशन भेज रहे हैं दोबारा कॉपी जांच करने की अब दोबारा कॉपी जांच करने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि वास्तव में समस्या कहाँ से आ रही है तो अभी हम क्योंकि हम आपको रिजल्ट नहीं दिखा सकते उसमें बच्चों का डाटा है और बहुत चीज़ें हैं लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के लगभग लगभग सेवेंटी परसेंट से ज़्यादा स्टूडेंट जो है सिर्फ एकल सब्जेक्ट में फेल हैं चाहे वो आपस एंड गायनकोलाजी हो या सर्जरी हो और बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जिनको सिर्फ मात्र एक नंबर दिया गया है तो इस तरह की कंडीशन जो है उत्तर प्रदेश के होम्योपैथी कॉलेज के बच्चों के साथ हुआ है अब इसके लिए जो है वो जो है डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंसी हैं या डिफरेंट जो हमारे आयुष मंत्री जी हैं उन सब से गुहार लगा चुके हैं साथ में कॉलेज के लोग भी प्रशासन भी कॉलेज प्रशासन भी इसके लिए यूनिवर्सिटी इस स्तर पर बात कर रहा है और कापी को दोबारा जाँच करने के लिए एप्लीकेशन भी भेज रहा है तो अब आगे जब एप्लीकेशन कॉपी की जाँच होगी उसके बाद मामला समझ में आएगा कि मामला क्या है और ये एक बहुत ही बड़ा जो है कि ए, रिजल्ट में अपडेट है और अगर देखा जाए तो इस तरह का रिजल्ट जो है बच्चों के आगे के जो भविष्य की पढ़ाई है उसके लिए उनको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो ये अपडेट आप होम्यो रीडर की तरफ से देख रहे हैं मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो वो अपने स्तर से प्रयास करे अगर इसमें कोई फॉल्ट है तो उसको सही किया जाए ये बहुत ही बड़ा फॉल्ट है क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है जो भावी जो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है तो इसको जो है शासन स्तर पर पहुँचाया जाए और इसमें अगर कोई गलती है तो उसको सही किया जाए और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो इस मामले को जो है बहुत जल्द ही आ, सही कर पाएगी क्योंकि अगर कॉपी दोबारा जांच होता है तो हमें उम्मीद है कि बच्चे काफ़ी हद तक जो है इसमें पास कर जाएंगे तो अब ये मामला आगे पता ही चलेगा कि रिज़ल्ट में क्या कमी थी या आगे जब दोबारा कॉपी चेक होगा तो क्या उसमें बन के आता है रिज़ल्ट क्या परिणाम आते हैं वो आगे देखने वाली बात होगी आप होमियो रीडर देख रहे हैं और हम आपसे बस इतना ही निवेदन करते हैं अगर आप हमारे होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल चैनल पर नए हैं तो होम्यू रिडर के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए